उसके लिए सबसे बड़ा मसला यही है अकोमोडेशन का, जिस तरह इटली में इशू था, जर्मनी में भी उससे ज़्यादा इशू है आपको। प्यारी सी और बहुत बड़ी खिड़की ताकि आप बाहर के नज़ारे देख सको, लेकिन इसका मसला ये है कि बाहर वाले भी आपके नज़ारे देख सकते हैं, तो यहाँ पे पर्दा लगाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, मैं इटली से जर्मनी में शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, जो स्टूडेंट जर्मनी आता है उसके लिए सबसे बड़ा मसला यही है अकोमोडेशन का, जिस तरह इटली में इशू था, जर्मनी में भी उससे ज़्यादा इशू है आपको। अकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है, फिर उसके अलावा जो अकोमोडेशन मिलती भी है स्टूडेंट्स को, वो बहुत ज़्यादा महंगी है। इटली में आप लगा लो 200 से 250 के हिसाब से जो है ना, आपको अकोमोडेशन आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जर्मनी में ढूंढोगे ना, तो यही जो रेंट है आपके एक रूम का अपार्टमेंट जो होगा, वो तकरीबन 350, 400 और कहीं कहीं पे जाके 450 तक होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो आसानी से मिल गया था यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है वहाँ पर। तो इस वीडियो में मैं आपको विज़िट करवाऊँगा कि यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल होता है वो किस तरह का होता है जर्मनी में, और मैं अपना विज़िट करवाऊँगा, और जो हमें इटली में मिला था हॉस्टल इटालियन यूनिवर्सिटी की तरफ से वो कैसा था, दोनों की वीडियो में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हमारा यहाँ पे रेंट कितना है। तो चलते हैं अपने अपार्टमेंट के अंदर। तो सबसे पहले ये आपकी आ गई पार्किंग एरिया, जो कि अगर आपके पास साइकिल है तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। और हमारा मेन एंट्रेंस, ये आ गया आपका पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे जितने भी आपके लेटर आने होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आमिर अली है, तो मैं यहाँ से इसको रोज़ चेक किया करूँ कि कोई लेटर तो नहीं आया हुआ। जर्मनी में लेटर बहुत आते हैं भाई। चलते हैं अंदर। तो देखिए ये तमाम नाम लिखे हुए हैं, ये तमाम मेंबर्स इस अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं। चलते अंदर। रूम नंबर है 28, आमिर वाली। तो ये आ गए हम इंटर पे। जैसे ही आप इंटर होते हो ना, तो आपके राइट हैंड पर है किचन। अब किचन कितना बड़ा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा किचन जिसमें इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं दो, उसके अलावा वॉश बेसन। वॉश बेसन इतना बड़ा है कि आपका मुश्किल से ही कोई एक प्लेट अंदर आ सकता है, ऊपर ऊपर से ही धोना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसके अलावा क्या है, फ्रिज अटैच है इसी के साथ ही दो से पड़े हैं बस। अच्छा, उसके अलावा डिफ्रीज़र भी है भाई। फ्रिज के अंदर फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं खा रहा। इसके अलावा देख लें, डिफ्रीज़र भी मौजूद है, अगर आपने ऑन करना हो तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मुझे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रिज के अगर आपने एग्स रखने हो, अंडे रखने हो, वो इसी के साथ डस्टबिन मौजूद है, वेस्ट ऑर्गेनिक आप इसमें डालोगे। और इसके अलावा मैंने प्लास्टिक के लिए अलग से रखा हुआ है। इसी तरह ऊपर भी कैबिनेट मौजूद हैं, अगर आपके पास सामान है तो रख सकते हो। मेरे पास चूंकि कुछ भी नहीं है तो मैं खाली ही रखा हुआ। उसके अलावा देखते हैं वॉशरूम में क्या चीज़ें हैं। ये आ गया आपका प्यारा सा भाई। अच्छा, बेसन है, उसके अलावा वॉशर, शावर, ठंडा गर्म दोनों पानी आता है। उसके अलावा एक अदर डब्ल्यूसी। अच्छा, इटली में ये होता था कि डब्ल्यूसी के साथ ही यहाँ पर एक और होता था मुस्लिम शावर, जिसके लिए जो यहाँ पर ये चक्कर नहीं है, तो आपको अलग से इस तरह का जो है ना लोटा लेना पड़ेगा। चले जी, उसके अलावा जब हम इंटर होते हैं कमरे के साइड पे, तो ये आपका स्टडी टेबल आ गया, और ये आ गया आपके पास बेड। बेड सही है, एक बंदे के हिसाब से अच्छा है, आप पूरे फिट आ जाते हो। उसके अलावा बड़ी प्यारी सी और बहुत बड़ी खिड़की ताकि आप बाहर के नज़ारे देख सको, लेकिन इसका मसला ये है कि बाहर वाले भी आपके नज़ारे देख सकते हैं, तो यहाँ पर पर्दा लगाना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा आपके पास है गीज़र, जो कि अगर ज़्यादा सर्दी होगी तो आप इसको चला भी सकते हो और ये ऑन होता है। ये आ गई आपके पास स्टडी टेबल, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर बैठ के अपनी तमाम जो है ना चीज़ें कर सकते हो। मैंने तो अपना इसका व्लॉगिंग का सामान सारा भर दिया, लेकिन आप स्टडी भी कर सकते हो। तो अच्छे खासे शेल्फ्स मौजूद हैं आपके किताबों के लिए, या फिर इस तरह के स्टफ्स के लिए जो कि शेल्फ्स में रखने। सबसे बड़ी बात, अलमारी बहुत बड़ी है भाई। अलमारी तीन खाने हैं इसमें, और अलमारी अच्छी खासी बड़ी है एक बंदे के हिसाब से, तो सारे सामान जो है ना आपके ईजिली इसमें आ सकते हैं। मैंने तो सारे कपड़ों से ही भर दिए। उसके अलावा मेरे पास
इतना सामान नहीं था, तो लास्ट वाला पोर्शन ज़्यादातर मेरा खाली ही है। उसके अलावा ऊपर भी पोर्शन मौजूद है जहाँ पे आप अपना सूटकेस रख सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके जो कॉस्ट है वो 215 यूरो है, लेकिन उसके मुकाबले में आपको घर बड़ा ही प्यारा मिला है। सही है, छोटा सा है, एक स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी है, लेकिन रेंट जो है ना यहाँ पे 350-400 है जर्मनी में, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इस तरह के रेंट में इस तरह का छोटा सा अपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये मेरे पीछे रेड बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये हमारी यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है, यानी कि हॉस्टल। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं अक्सर रो रहे होते हैं, यार हमें हॉस्टल चाहिए, हमें हॉस्टल नहीं मिल रहा। हम इस प्रो लेवल पे चल रहे हैं भाई, मेरा और फराज का नाम 1 और 2 सेकंड रैंकिंग पर है हम दोनों का, और हम यहाँ पे विड्रॉ करके जा रहे हैं। हम सुबह आए इतने प्रो लेवल पे चल रहे हैं, हम सुबह आए, वो कह रहे हैं अच्छा आप दोनों का नाम तो टॉप पर आए हैं, हम आपको रूम दिखाते हैं। हमने कहा हमें रूम नहीं देखना भाई, हम ऑलरेडी VIP से एरिया पे रह रहे हैं, हम विड्रॉ कराने आए। बोले विड्रॉ क्यों, आपको तो मिल गया, अच्छा सा है, बड़ा VIP सा बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कुछ कमरे नज़र आ रहे हैं। और हमने जब विड्रॉ फॉर्म फिल करके दिया, बोलो यार अफसोस हुआ है, बोला कोई नहीं हमें मिलता रहता है। सही नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये जो एक रेड बॉक्स बना हुआ है ना, ये एक रूम है, वहाँ पे स्टडी टेबल है और उसके पीछे बेड है, फिर वॉशरूम है, सारी चीज़ें सेपरेट हैं। तो ये एक एक बॉक्स जो है ना, एक एक रूम बना हुआ है, और वो वहाँ तक जो है ना, ये पूरा का पूरा हमारा हॉस्टल है। और ये हॉस्टल ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे मेंसा है, जो कि मेंसा स्टूडेंट्स के लिए लंच टाइम पे फ्री होता है। तो ये बड़ा VIP सा अच्छा सा था। ये देखो एक और स्टूडेंट आ रहा है शिफ्टिंग करने के लिए, और हम यहाँ विड्रो फॉर्म फिल करके जा रहे हैं। खैर बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि मेरा जो अकोमोडेशन है, जो कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल है, वो कैसा है, और इतनी कम प्राइस में वो कितना अच्छा है। और इटालियन यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल था उसकी कुछ झलकियाँ मैंने दिखाई हैं आपको, ज़ाहिर है पूरी नहीं दिखा सकता क्योंकि हम वहाँ पे रहे नहीं हैं, हमने जाके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कैंसिल कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।